नेक्स्ट में टू एक्स इक्वल टू सेक थीटा और टू बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा। आपको फाइंड आउट करना है टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाए समझते हैं। अगर 2x आपके पास sec थीटा है तो x की जो वैल्यू होगी ना, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 2x अगर आपके पास sec थीटा है और 2 अपॉन x आपके पास tan थीटा है, ठीक है, अगर आपके पास 2x जो है यहाँ पे sec थीटा है और 2 अपॉन x tan थीटा है, तो देखो इससे क्या हो सकता है, क्या यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी, sec थीटा अपॉन 2, क्या यहां से हमारा x आ गया, अच्छा जी, क्या हम इसको 2 इंटू वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहां से चाहता हूं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्यों फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि देखो ये 1 बाई एक्स है ना, ये अल्टीमेट क्या है, देखो ये आपका 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ही तो है, तुम्हारे पास इसलिए मुझे 1 बाई एक्स चाहिए, इसलिए मुझे 1 बाई एक्स चाहिए यहां पे, ठीक है, क्लियर। तो क्या यहां पे 1 बाई एक्स जो है क्या वो टेन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, चेक करें, ये x आ गया sec थीटा अपॉन 2 और 1 बाई एक्स आ गया टेन थीटा अपॉन 2, समझ रहे हो, एक आ गया x हमारा sec थीटा बाई 2 और एक आ गया 1 बाई एक्स, समझ रहे हो, क्लियर हो गया इतना। अब जरा फटाफट वैल्यूज पुट कर दो, फटाफट वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि sec थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स ये है, तो ये टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चलो तो इसके बाद क्या होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो 4 यहां पे एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 4 अगर एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, यस और नो, क्या हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 के इक्वल होता है, समझ में आई बात, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 अपॉन 4 ये कैंसिल हुआ, तो 1 बाई 2 विल बी योर आंसर, ठीक है, 1 बाई 2 इसका आंसर है, समझ में आ गया सबको, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, क्या यहाँ पे आंसर ए पार्ट आ गया।